आपको पता है, अगर इंसान नहीं सुधरा तो कोविड-19 जैसी और बीमारियां हमारा इंतजार कर रही हैं। ऐसे और भी कई पैंडेमिक हो सकते हैं जो जानवरों से हम तक पहुंचेंगे और हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित डियोंडी और सनातन सोच के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कैसे कोविड-19 जैसी बीमारियां हम इंसानों की ही देन है और सनातन सोच में कैसे इसका हल छुपा है। सबसे पहले आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हमने वाइल्ड लाइफ को परेशान करना नहीं छोड़ा, खेती के सस्टेनेबल तरीके जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो उसे नहीं अपनाया और क्लाइमेट चेंज को सीरियसली नहीं लिया, तो जानवरों से इंसानों में फैलने वाली कोविड-19 जैसी और भी बीमारियां हो सकती हैं। इंसान ने एनिमल हैबिटेट्स यानी जानवरों के रहने वाली जगहों पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर बनाया हुआ है दोस्तों। धड़ल्ले से हो रही एग्रीकल्चर, कभी ना खत्म होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर और जंगल के भविष्य को ताक में रखकर मदर नेचर पर हमने जो प्रेशर डाला है, ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। और अगर हम ये करते रहे तो भविष्य का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 1918-19 के इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक का हवाला देके कहा जा रहा है कि ये हर 100 साल में होता है, ये बहुत ही कॉमन बात है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये भी कहा जा रहा है कि अगर इंसान ने ह्यूमन और नेचुरल वर्ल्ड के बीच का बैलेंस नहीं मेंटेन किया, तो भविष्य में ऐसे पेंडेमिक, ऐसे क्राइसिस, ऐसे वायरस अटैक जो जानवरों से इंसानों में होते हैं, बढ़ते ही जाएंगे। हम आपको बताते हैं, सनातन सोच अपनाएंगे तो ऐसी सिचुएशन आने से पहले ही कैसे निपटा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें शाकाहारी बनना होगा। जी हाँ, मीट कंजम्पशन कम ही नहीं, बंद करना होगा। देखिए, पिछले 50 सालों में एनिमल मीट की ग्लोबल डिमांड 260% बढ़ गई है और जूनैटिक डिजीजेस मीट के जरिए इंसानों तक बहुत आसानी से पहुंचती है। लाइव स्टॉक यानी मवेशियों से इंसानों में जूनैटिक डिजीजेस फैलने से साल में 20 लाख मौतें होती हैं। और अगर हम अपना खान पान सुधारें तो उम्मीद की किरण दिखती है दोस्तों। नॉनवेज खाना बंद नहीं कर सकते तो हम कम करें, ये आपके लिए भी फायदेमंद होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। आजकल कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो खुद तो नॉनवेज नहीं छोड़ पाते हैं, अपने बच्चों को भी दाल चावल बाद में खिलाते हैं, पहले वो खिलाते हैं क्या, चिकन पीस, यस लेग पीस। लेकिन उन्हें ये बात समझनी होगी कि ये लेग पीस खाने से उनका बच्चा स्ट्रांग नहीं हो रहा, जबकि उनके बच्चे का भविष्य खतरे में आ रहा है। जी हाँ, मैं समझ सकता हूं कि आपका इससे स्वाद जुड़ा है, लेकिन आपको भी ये समझना पड़ेगा कि ये धंधा बहुत बड़ा है, हमारी सिर्फ आदत खराब की गई है। देखिए, मैं कह रहा हूं, आप हो सकता है बात ना माने, कोई फिरंगी कहता है तो हम लोग बहुत जल्दी बात मान लेते हैं। और ये फिरंगी की टीम ने काफी रिसर्च करके बकायदा ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, नेटफ्लिक्स पे है, आप जरूर देखिए द गेम चेंजर्स, आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। दूसरी बात, पेड़ पौधे लगाएं। जी हाँ, ये ना सिर्फ हमारा आज बेहतर बनाते हैं बल्कि भविष्य को भी संवारते हैं। पुराणों में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि एक पेड़ लगाने से जीवन में पुण्य ही पुण्य मिलता है। हमारे पूर्वजों को पता था ट्रीज और प्लांट्स का इंसानी जीवन में कितना महत्व है। भविष्य पुराण में लिखा है, जिसकी संतान नहीं उसके लिए वृक्ष ही संतान है। पद्म पुराण में तो यहां तक लिखा है कि जलाशय यानी तालाब या बावड़ी के निकट पीपल का पेड़ लगाने से व्यक्ति को सैकड़ों यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बात के पीछे का भाव समझने की जरूरत है। हमारे पूर्वज हमें बता गए थे कि इंसान और नेचर के बीच का जो संबंध है वो कितनी वैल्यू रखता है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारी लाइफ में। इसीलिए कहीं ना कहीं अलग अलग तरीकों से सनातन धर्म में पेड़ों को पूजने की प्रथा चलती आई है। केवल इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृति में एक पेड़ लगाना 100 गायों का दान देने के समान माना गया है। पेड़ अपनी 10% खुराक मिट्टी से लेते हैं और 90% खुराक हवा से लेते हैं। एक पेड़ दिन में इतनी ऑक्सीजन देता है कि 4 आदमी जिंदा रह सके। पेड़ सेल्फ सस्टेनेबल है दोस्तों, इन्हें हमारी जरूरत नहीं है, हमें इनकी जरूरत है। इसीलिए पेड़ हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। हमें अपने बच्चों को भी ये वैल्यू समझानी चाहिए, उन्हें घुमाने के लिए नेचर में ले जाना चाहिए, उन्हें बचपन से ये बताना चाहिए कि पेड़ पौधों का उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। घर में बालकनी में उनसे एक पेड़ तो जरूर लगवाना चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सनातन प्रैक्टिसेस अपना ली जाए तो जीवन सफल हो सकता है। जैसे शाकाहारी होना, पेड़ पौधों की पूजा करना, पशुओं से प्रेम करना, नेचर और ह्यूमन के बीच का बैलेंस बनाकर रखना, दूसरों को ठीक करने से पहले स्वयं को समझना, अस्तो मा सद्गमया यानी असत्य से सत्य की ओर जाने की फिलॉसफी पे चलना। दोस्तों, अगर ये प्रैक्टिसेस आज भी इंसान फॉलो करने लगे तो हमें यकीन है भविष्य हमारा जरूर सुधरेगा, जिससे न सिर्फ ह्यूमन हेल्थ बल्कि एनिमल हेल्थ और प्लैनेट हेल्थ भी सुधरेगी। प्रणाम।